हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शॉर्ट ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है या उसकी ज्योमेट्री कैसी है। तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम उसकी ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में, बोर्ड्स में ये पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम कैसे एक सेकेंड में हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है जिसमें हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों क्या हो जाएंगे पता चलेंगे और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी पता चलेगा, जिससे हम उसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को काफ़ी इजीली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो किसी भी अणु की ज्यामिति को जानने के लिए जरूरी है संकरण। तो संकरण निकालने की सबसे आसान ट्रिक है ये। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रूल लिखा हुआ है, तो रूल के तीन पॉइंट हैं इस रूल में शॉर्ट ट्रिक के, तो इन तीन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। तो देखिए क्या है, हमें जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए या किसी की ज्योमेट्री निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी कि जिस भी मॉलिक्यूल का हमें संकरण निकालना है या हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हम उसमें प्रेजेंट सारे एटम्स को देखेंगे, सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कहते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जितने भी एटम हैं उन सबके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करके जितने भी, इफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 8, अगर हमारा योग जो हमने जोड़ा उसको, वो योग 8 से क्या आता है, कम आता है, लेस आता है, देन इट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमें दो ही नंबर याद रखने हैं कि अगर हम उन एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सम करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 8 से कम आते हैं, 8 से कम आते हैं, तो हम उस संख्या को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। लेकिन केस सेकंड ये है, दूसरा केस ये है कि इफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 8, अगर ये योग हमें 8 से ज़्यादा मिला, देन इट डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से ज़्यादा नंबर आने में हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से। तो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए H2O मैंने लिया हुआ है, H2O में कितने एटम हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो पहले हम दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट हम लगाएंगे, एडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1, लेकिन यह हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, लेकिन यह हाइड्रोजन के नंबर 2 हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से। अब हम इसमें प्लस करेंगे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 6, यानी कि 2 और 6। तो बाह्यतम कोष में इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम इसमें 6 यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 × 1 करेंगे और ऑक्सीजन के 6, तो यह 6 आ जाएगा। तो 2 × 1 = 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा क्या है, अब रूल नंबर सेकंड देखिए, हमने सम कर लिया है, अगर हमारा सम लेस, अच्छा यहाँ पे हमारा ना तो ये 8 से कम आ रहा है और ना ही ये 8 से क्या आ रहा है, ज़्यादा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लेस देन लिखा है ये हम लिख देंगे लेस देन और इक्वल, अगर 8 के बराबर हो या 8 से कम हो, तो दोनों ही केसेस में 2 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो हमें 8 सम मिला है यहाँ पे, तो 8 सम को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट ये जाएगा 2 × 4 = 8 टाइम्स, तो ये आ रहा है 4। अब 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अगर हम देखें sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल होते हैं, sp2 में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, बट sp3 में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल,
तीन होते हैं पी के, एक होता है एस का, और आंसर भी कितना आ रहा है, चार। तो चार यानी कि sp3। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होगा सेंट्रल एटम, जो अकेला होता है वो सेंटर में होता है, और ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कनेक्टेड हैं, दो। तो ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने होंगे, टू होंगे, और लोन पेयर कितने होंगे, टू, क्योंकि हमारा टोटल आंसर फोर आया है। तो फोर को हम डिवाइड कर लेंगे टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेंस देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला सेंट्रल एटम है और इस पे जो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर बनेंगे, इनकी बॉन्डिंग से जुड़े होंगे, तो दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गए और दो क्या हो गए, लोन पेयर। VSPER थ्योरी से हम इसको ज्योमेट्री को इसकी बताएंगे। तो VSPER थ्योरी कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर जीरो होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, लेकिन अगर किसी के हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर एक या एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट। तो यहाँ पे हमारे दो लोन पेयर आ रहे हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्ट होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, बट टेट्राहेड्रल ना होकर के हम टेट्राहेड्रल में दो लोन पेयर और क्या अरेंज करेंगे, दो बॉन्ड पेयर। देखिए बच्चों हमारा आया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो हम दो लोन पेयर को टेट्राहेड्रल में अगर रखेंगे तो दो लोन पेयर ऑक्सीजन के और दो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। तो ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और डिस्टॉर्ट होकर के कैसी हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, थोड़ी सी झुक जाएगी, या हम कहेंगे ऐसे वी शेप या बेंट शेप। तो ये होगी वी शेप्ड, क्या होगी, वी शेप्ड। तो हमने इसकी क्या निकाल ली, शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों हम निकाल लिया। अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, XeF2। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, तो सेम ट्रिक से हम इसको भी क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो जीनॉन देखिए बच्चों, जीनॉन आता है हमारा, जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, ये आता है 18th ग्रुप में। तो 18th ग्रुप में अगर ये आता है तो 18 का हम कन्फिग्रेशन करेंगे 288, तो 288 यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो यहाँ पे जीनॉन के आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, अकेला है तो एक ही 8 आएगा, प्लस फ्लोरीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 ये है 17th ग्रुप का एलिमेंट, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 287, तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 7 ऐड करेंगे, बट यहाँ फ्लोरीन के एटम 2 हैं तो इसको इनटू क्या करेंगे, 2। तो 7 × 2 = 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब फिर से देखिए 22 जो है वो ग्रेटर है किस से, 8 से, तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसको इतनी बार डिवाइड करेंगे कि ये पूरी पूरी बार डिवाइड हो, तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, तो कितना बच रहा है, 6। अब 6 जो है वो 8 से क्या है, लेस है, तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, जो भी नंबर 8 से कम होगा 2 से डिवाइड होगा, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 2 × 3 = 6। तो ये इसमें देखिए, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 कितना आ गया, 5, तो 2 + 3 को ऐड कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। देखिए कैसे, एक यहाँ पे d का ऑर्बिटल है, 3 p के हैं और एक s का है, तो कितने हो गए, 5, 3p और एक s और एक d, तो 5 ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल गया sp3d। अब जो पहले आएंगे वो हमेशा बॉन्ड पेयर होंगे, क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, और जो बाद में आएंगे वो होंगे लोन पेयर। तो ऐसे जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें दो लोन बॉन्ड पेयर मिले और तीन क्या मिल गए, लोन पेयर। अब हम देखेंगे XeF2 में फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो इसका मतलब जीनॉन तो यहाँ सेंट्रल एटम होगा, तो सेंटर में रहेगा कौन, जीनॉन, और 2 फ्लोरीन है
तो दो फ्लोरीन दो बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड पेयर दो हो गए, बाकी बचे लोन पेयर कितने, थ्री। तो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए 3 4 5। 5 के लिए या SP3D के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। तो हम इसमें कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रखेंगे, हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऐसे लोन पेयर रखेंगे कि उनमें रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। तो हम 3 लोन पेयर्स को कॉर्नर्स में रखेंगे ट्राइगोन के, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन ले लेंगे नीचे। तो ये 3 लोन पेयर्स हमने यहाँ के 3 लोन पेयर्स ट्राइगोन में रख दिए और 2 बॉन्ड पेयर्स को अप एंड डाउन रख दिया। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो हम इसको ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ना लिख के क्या लिखेंगे बच्चों, लीनियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लीनियर। तो इस तरीके से काफ़ी एग्जांपल्स हैं जिनका हम इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जो आप बनाएंगे और मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों का निकला है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए, जैसे XeF4, XeF6, ClF3, BrF3। तो इस ट्रिक से हम सभी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।